मैं रामराज मीना सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं और मैं आज आपको आचार्य कवि संबंधी रीति काव्य में जो केशव का स्थान है उसके बारे में बताऊँ। रीति काव्य में केशव का क्या स्थान है? रीति काव्य में केशव को प्रवर्तक कवि माना जाता है, इसलिए जो रीति काव्य का प्रवर्तक कवि है वो केशव को माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? हालांकि केशव से पहले भी कवि हुए हैं पर केशव को क्यों माना जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आचार्य कवि संबंधी परंपरा में जो हमारा तात्पर्य ऐसी काव्यधारा से है जिसमें रस हो, अलंकार हो, नायक अभेद हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति जो आदि काव्य सिद्धांतों को ध्यान में रख करके जो लक्षण ग्रंथ लगे गए हैं उसे रीति काव्य संबंधी परंपरा कहते हैं, जिसमें नायक अभेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, रस ये जिसमें इनको ध्यान में रख करके जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो रीति काव्य संबंधी परंपरा। तो संस्कृत साहित्य में ऐसे ग्रंथों को काव्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र ऐसे नामों से अभिहित किया है। ऐसे नामों के ग्रंथ मिलते हैं संस्कृत साहित्य में जिसमें काव्यशास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, अलंकार शास्त्र ऐसे नामों से जाना जाता है संस्कृत साहित्य में जो ग्रंथ हैं। परंतु जो संस्कृत काव्यशास्त्र में जो ग्रंथ मिलते हैं उनके और रीति काव्य में जो काव्य है परंपरा है उनके ग्रंथ है उनमें अंतर ये है कि जो संस्कृत साहित्य काव्यशास्त्र के जो पुण्यता थे वो लक्षण तो अपने लिखते थे परंतु जो उदाहरण है वो अन्य कवियों के देते थे, अन्य कवियों की रचनाओं से भी उदाहरण अपने देते थे। जबकि हिंदी के रीति काव्य पुण्यताओं के लक्षण और उदाहरण सभी कुछ अपने होते थे, स्वरचित होते थे। जो रीति काव्य परंपरा के जो कवि हैं उनके जो उदाहरण हो चाहे लक्षण हो वो अपने स्वरचित होते थे, जबकि संस्कृत काव्यशास्त्र के जो पुण्यता थे उनके उनके क्या है लक्षण तो खुद के रहते थे और क्या करते थे वो उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को दिया करते थे। ये अंतर हिंदी की काव्यशास्त्र परंपरा और संस्कृत की काव्यशास्त्र परंपरा में देखने को मिलता है। वैसे हिंदी के जो रीति काव्य के जो मूल स्रोत है, मतलब हिंदी के जो रीति काव्य शास्त्र के जो प्रणेता कवि हैं उनके जो मूल स्रोत है या एक कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत है या मूल प्रेरणा स्रोत है वो तो संस्कृत के काव्यशास्त्र ही है। यानी उन्होंने जो अपनी जो रचना लिखी है उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो तो संस्कृत काव्यशास्त्र के ग्रंथों से ही इनकी उनको प्रेरणा मिली है। जो संस्कृत के नाट्यशास्त्र है, काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य दर्श है, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, रस गंगाधर है, श्रृंगार तलक है, चंद्रालोक है, कुबल्यानंद है, रसमंजरी है, अलंकार सूत्र है, जो आदि साहित्य संबंधी ग्रंथों के आधार पर ही रीति काव्य ग्रंथों का निर्माण होता है। यानी संस्कृत में इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं रीति ग्रंथ जो जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं ना इनके इनको इनके आधार पर ही जो रीति काव्य परंपरा के कवि है उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं जैसे काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य दर्श, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, श्रृंगार तलक, चंद्रालोक, कुबेर, रसमंजरी, अलंकार शेखर है ना, ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसे और भी ग्रंथ लिखे गए हैं पर ये मुख्यतः ये ग्रंथ है संस्कृत के नाट्यशास्त्र है, काव्य अलंकार सूत्र है, ये ग्रंथ जो संस्कृत साहित्य में लिखे गए। वैसे हिंदी में भी जो रीति काव्य शास्त्र एक लंबी परंपरा है, हिंदी में भी ऐसे नहीं है कि हिंदी छोटी परंपरा है, काफ़ी लंबी परंपरा है हिंदी में भी। तो हिंदी का जो प्रथम कवि कौन माना पुष्प कवि माना जाता है, हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो पुष्प कवि माना जाता है, जिसने अलंकार शास्त्र की रचना के लगभग सम्मत 700 के आसपास उसने अलंकार शास्त्र संबंधी रचना की है। परंतु वो आज क्या है वो पुष्प का जो ग्रंथ है वो प्राप्त होता नहीं। इस परंपरा के अंतर्गत ब्रजभाषा के 6 कवि आते हैं और मुनिलाल आता है, उनका नाम भी दिया जाता है, किंतु इनके ग्रंथ भी अप्राप्त है, इनके ग्रंथ भी अप्राप्त है। हिंदी के इस धारा का सर्वोत्तम जो ग्रंथ है कृपा राम रचित हित तरंगिणी है, जिसमें रीति का अवधारा के अनुकूल लक्षण ग्रंथ के दर्शन होते हैं। जो हित तरंगिणी कृपा राम की उसके सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथों के आधार पर उनकी रचना मिलती है। कृपा राम महाकवि सूर के समसामयिक थे और उन्होंने सम्मत 1598 विक्रम में अपने रीति काव्य का प्रणयन किया।
इसमें नायिका भेद का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। कवि मोहनलाल ने भी एक श्रृंगार सागर नामक रस ग्रंथ लिखा था, किंतु वह भी उपलब्ध नहीं है। इसी समय रहीम बरवे छंद में नायिका भेद नामक रीतिकार मिलता है। रहीम का जो ग्रंथ मिलता है ना, बरवे छंद, उसमें नायिका भेद जो मिलता है, बरवे छंद में लिखा गया है, वो मिलता है। जो अवधि भाषा ग्रंथ है इसमें नायिका के भेदों का सुंदर चित्रण किया गया है, उसके नायिका भेदों का ही सुंदर निरूपण है, उनके लक्षण नहीं दिए गए नायिकाओं के, उनके भेद किए गए। ठीक है, इसी समय की रचना नंददास का रसमंजरी भी रीतिकाव्य की है, परंपरा में आती है। उसमें ब्रजबालाओं के विरह संबंधी पद है, जो रसमंजरी नंददास की, उसमें ब्रजबालाओं के विरह संबंधी पद है। तुलसी की बरवे रामायण भी अलंकार निरूपण की इसी पद्धति पर आती है। इसी समय कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूभूषण नामक तीन ग्रंथ लिखे, इसी समय वो भी इसी परंपरा के रीति का परंपरा के। कवि केशव के बड़े भाई बलभद्र मिश्र ने भी दूषण विचार और नक्षक नामक दो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। रीति ये जो बलभद्र है, ये केशव कवि के बड़े भाई थे, इन्होंने दो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, दूषण विचार और नक्षक। परंतु अभी तक व्यवस्थित रूप से जो साहित्य शास्त्र है वो व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य अभी तक हुआ नहीं। जो पुष्प कवि हुए हैं, जो ग्रंथ प्राप्त में हुए हैं, मोहनलाल हुए हैं, रहीम का भी है, पर ये व्यवस्थित रूप से लिखे नहीं गए, ये एक अव्यवस्थित रूप से ही थी। जो व्यवस्थित रूप से जो सबसे पहले लिखे गए हैं रीति काव्य में, वो कवि केशव ने लिखा है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया नामक दो ग्रंथों का निर्माण करके साहित्य शास्त्र पर व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य कवि केशव ने किया है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिख करके उन्होंने व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य किया है। इसमें कवि प्रिया में अलंकारों का विवेचन किया गया है, कवि प्रिया में अलंकारों और रसिक प्रिया में नायक और नायिका के भेद और उनकी चेष्टाओं का निरूपण, सार रसों का सांगोपांग निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त छंदमाला ग्रंथ में विभिन्न मात्रिक और वार्णिक छंद ग्रंथों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस तरह केशव ने विभिन्न काव्यांगों का सम्मत निरूपण करते हुए भाषा का कार्य, कवि योग्यता, कविता का स्वरूप, कविता का उद्देश्य, कवियों के भेद, काव्य रचना के ढंग, काव्य विषय, वर्णन के ढंग, काव्य दोष, अलंकार, छंद, विविध वृत्तियाँ आदि पर सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से कार्य लिखने का कार्य कवि केशव ने किया। यानी अब तक जो कार्य लिखे गए वो अव्यवस्थित रूप से थे, लेकिन जो कवि केशव ने जो सर्वप्रथम कार्य लिखे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये क्या व्यवस्थित रूप से लिखे गए। इसलिए आचार्य श्याम सुंदर दास ने केशव को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना। श्री श्याम बिहारी मिश्र ने भी अपनी खोज रिपोर्ट में केशव को ही रीतिकाव्य का संस्थापक कवि माना, और आचार्य गुलाबराव ने भी स्पष्ट लिखा है कि रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों को लिखने और लक्षणों के अनुकूल उदाहरण प्रस्तुत करने में जो सर्वप्रथम कार्य किया है वो केशव ने किया है। इस प्रवृत्ति का पूर्ण प्रभाव किसमें मिलता है? केशव में मिलता है। वस्तुतः केशव को ही रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं, अर्थात जो रीतिकाव्य परंपरा में जो भी कवि हुए हैं, उन्होंने मोहनलाल हुए हैं, रहीम दास की भी आती है नायिका भेद, ये सब, और नंददास की रसमंजरी भी आती है, कर्णेश कवि भी आता है, ये सब के बड़े भाई बलभद्र मिश्र भी आते हैं, कर्णेश कवि भी आता है जिसका कर्णाभरण है, श्रुति भूषण है, भूभूषण है, ये तीन ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, तुलसीदास का भी आता है। लेकिन जो व्यवस्थित रूप से लिखने कार्य किया है वो जो केशव कवि प्रिया और रसिक प्रिया में ही इनका निर्माण करके साहित्य शास्त्र पर व्यवस्थित रूप से लिखने कार्य कवि केशव ने किया है। अतः कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण है और रसिक प्रिया में नायक नायिका भेदों का निरूपण है, उनकी चेष्टाओं का आदि एकदम व्यवस्थित रूप से उनका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त छंदमाला में भी लिखा है उन्होंने मात्रिक और वार्णिक छंदों के लक्षण और उदाहरण कर सकते हैं। अतः आचार्य केशव को आचार्य श्याम सुंदर दास ने, श्याम बिहारी मिश्र ने, इन्होंने आचार्य केशव को ही रीतिकाल का
प्रणेता या प्रवक्ता कभी मान नहीं। धन्यवाद।